हाय एवरीवन, मधुलिका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू प्याज के पकोड़े। एक डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, देखिए कैसे बनाती। आलू और प्याज के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने दो प्याज लिए हैं, उनको ऐसा हमने लंबा लंबा काट लिया है। लंबा काटने के बाद इसको हम सेपरेट कर देंगे, मतलब अलग अलग ऐसे निकाल देंगे। इस तरीके से इनको हम खोल लेंगे। ये इजीली सेपरेट हो जाते हैं ऐसे काटने के बाद। अभी इसमें हम मसाला मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, लिटिल हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर, लिटिल चाट मसाला, इन सब डाल मसाला डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि नमक डालने से अपना मॉइस्चर है ना अच्छे से छोड़ देगा। इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे सब। अभी इसको ऐसे मिक्स करके हम साइड में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे कि ये अपना मॉइस्चर छोड़ दे। एक साइड में रखेंगे। अभी हम लेंगे तीन हमने पोटैटो लिए हैं बॉइल्ड आलू, और जो बॉइल्ड आलू है उसको लेके हमने मैश कर लिया है बॉइल्ड आलू को। इसमें भी हम मसाला डाल देंगे, लिटिल गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लिटिल सॉल्ट, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हम डालेंगे हरी मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च दो कटी हुई, बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्च हम दोनों में डाल देंगे, जो ऑनियन है उसमें भी डाल देंगे, इसमें भी डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई, और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, और जो ऑनियन है उसमें भी हम हरा धनिया डालेंगे थोड़ा। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये आलू को हमने अच्छे से मसाला मिक्स कर लिया है। अब इसको हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, मीन जैसे हम आलू बड़ा बनाते हैं ना, बटाटा बड़ा या आलू बड़ा बोलो, इस टाइप के हम बना लेंगे इसको। स्मॉल साइज में बनाना है। इस तरीके से हम सारे बॉल बनाएंगे, मीन्स बड़े बना लिए हैं। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे, और जो ऑनियन है ऑनियन भी हमारे अच्छे से इसमें पानी छोड़ दिया है। अभी इसमें हम डालेंगे 2 स्पून करीब बेसन, और 3 स्पून करीब कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप है ना इसकी जगह ये मैदा भी यूज कर सकते हैं, और मैदा भी नहीं तो चावल का आटा डाल दीजिए, चावल का आटा भी नहीं तो आप इसमें रवे का भी यूज कर सकते हैं। वैसे इसमें कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्रिस्पी बनते हैं उससे। अभी इन दोनों को हम इसे मिक्स कर देंगे ऑनियन में अच्छे से।
क्योंकि इसमें जो पानी था उससे ही मिक्स हो गया। ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा बेसन अच्छे से मिक्स करके अब इसको हम साइड में रख देंगे। जब तक हम फ्राई करने के लिए कढ़ाई लेते हैं उसमें थोड़ा उसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल के हम गर्म करने रखेंगे ऑयल को जब तक। अभी इसका हम लिक्विड बनाएंगे बेसन का। इसमें हमने आधा कप करीब बेसन लिया है। बेसन में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे मिक्स करेंगे। बेसन का हम ये घोल बनाएंगे और दूसरी तरफ हमने ऑयल भी गर्म करने रख दिया है। बहुत ज्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाना, पतला घोल बनाना है इसको। इतना पतला हमें घोल बनाना है, बिल्कुल गाढ़ा नहीं बनाना है, एकदम पतला। बेसन का हमें कम यूज करना है इसमें। अभी इसे हम डालेंगे बेसन में थोड़ा सा सॉल्ट, ये अपने टेस्ट के अनुसार डालना है। लिटिल लाल मिर्च पाउडर, लिटिल अजवाइन और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी, इसको मैश करके हम डालेंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सबको। अभी ये पतला सा घोल हमने बेसन का तैयार कर लिया है। लास्ट में इसे हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, ये भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम एक जैसे हमने ये बाउल बोल बनाए हैं छोटे छोटे, इसको हम घोल में डाल देंगे। इसको घोल में मिक्स करने के बाद घोल से निकाल के हमने जो ऑनियन है ऑनियन में हम इसको डालेंगे। जब तक इधर हम दूसरा पीस भी डाल देते हैं और ऑनियन डाल के इसके ऊपर अच्छे से ऑनियन कोट कर देंगे जो हमने हमारे बॉल बनाए हमने उसको। इस तरीके से हम ऑनियन में ऐसे कवर कर देंगे लाइक दिस। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। ये हमने घोल में डाला आलू को, फिर इसको हमने ऑनियन में डाल दिया। ऑनियन में डाल के हम ऑनियन चारों तरफ से कोट कर देंगे। ऐसे करने से ऑनियन इसमें अच्छे से चिपक जाते हैं। इसको दबा दबा के हम थोड़ा सा करेंगे जिससे चारों तरफ हमारे ऑनियन चिपक जाएंगे इसमें इस तरीके से। ऑनियन को ऊपर से डालेंगे ऐसे। इस तरीके से हम सारे बना के रख लेंगे। इस तरीके से हमने सारे बना लिए हैं। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। अब इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। इसको हमें स्लो फ्लेम पे बनाना है। एक बार में जितने आएंगे उतने हम इसमें डाल देंगे। अब इसको स्लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। इसको हल्के ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे स्लो फ्लेम पे। ये फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। टिश्यू के ऊपर निकालेंगे इसको हम। ऐसे
ऐसे ही हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। अब ये भी हमारे फ्राई हो गए हैं, गैस को बंद किया और इसको भी हम निकाल लेंगे। ये रेडी हो गए हमारे ऑनियन और आलू के पकोड़े। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। इस टाइप के आप आलू और प्याज के पकोड़े बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत क्रिस्पी होते हैं, जरूर ट्राई कीजिए। इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। ये रेडी हो गए हमारे आलू प्याज के पकोड़े। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।